हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ में, डरने की है क्या बात। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज फ्रैक्शन के आगे के क्वेश्चन। उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम लोगों ने और भी क्वेश्चंस किए थे फ्रैक्शन के, कॉन्सेप्ट क्लास करी थी, और आज हमारा क्वेश्चन उससे आगे है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन एन एनुअल डे फंक्शन 340 गेस्ट वेयर इन्वाइटेड, ऑफ दीज 140 वेयर मैन, 105 वेयर वुमेन एंड रेस्ट वेयर स्टूडेंट, वॉट फ्रैक्शन ऑफ गेस्ट वेयर स्टूडेंट्स। कह रहा है कि आपके एक एनुअल फंक्शन था जिसमें 340 स्टूडेंट गेस्ट इन्वाइट किए गए थे। टोटल कितने गेस्ट थे, 340 गेस्ट थे, जिसमें से कि 140 क्या थे, 140 मेन थे एंड 105 वुमेन्स थी, और जो बाकी बच गए वो रेस्ट ऑफ ऑल क्या थे, स्टूडेंट्स थे। तो पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स का जो गेस्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टोटल हमारे पास है 340 गेस्ट, जिसमें से मेन कितने हैं, मेन है 140 एंड वोमेन कितने हैं, वोमेन है 105। तो ये तो हमारे पास पता है कितने हो गए ये टोटल, मैन और वोमेन 545। ये टोटल हो गए मैन और वोमेन का, दोनों का कैलकुलेशन। अब टोटल 340 थे, तो टोटल में से अगर हम 245 को माइनस कर दें तो 95 मिलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए, 95। मैन हो गए 140, वोमेन 105 एंड स्टूडेंट्स 95। अब फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, जो गेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका फ्रैक्शन क्या है। तो अगर फ्रैक्शन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स का नंबर है डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट थे 340, ये हो जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 19/68, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें से किसी का भी फ्रैक्शन अगर पूछा जाता यहाँ कि मैन का फ्रैक्शन कितना है, तो हम मैन का फ्रैक्शन अगर पूछा जाता तो हम 140/340 करते। अगर वोमेन का पूछा जाता, ये क्या हो गया मैन का, और अगर वोमेन का पूछा जाता फ्रैक्शन कितना है तो क्या हो जाता, 105/340। तो जिसका भी फ्रैक्शन पूछा जाएगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो टोटल कैलकुलेशन होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो उस चीज़ का फ्रैक्शन निकल जाता है। तो इस तरह से आप किसी का भी फ्रैक्शन इसमें निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मयंक कलेक्टेड 1224 स्टैम्प्स, ही गेव 1/2 ऑफ टोटल स्टैम्प ऑफ हिज फ्रेंड एंड 1/4 ऑफ टोटल स्टैम्प टू हिज फादर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टैम्प्स आर लेफ्ट विथ मयंक। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तरीका लंबे प्रोसेस में जाएगा, एक तरीका शॉर्ट प्रोसेस में जाएगा। तो लंबे तरीके से आपको अगर बनाना है तो आप एकेडमिक में लॉन्ग प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको इसको शॉर्ट तरीके से देखना है। अब शॉर्ट तरीका ही मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ, वो क्या है कि पहला जो प्रोसेस है, देखो पहले क्या कह रहा है कि इतने स्टैम्प्स थे तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें उसने क्या किया कि हाफ, टोटल के हाफ स्टैम्प को उसने फ्रेंड को दे दिया। हाफ कितने दे दिए, टोटल में से हाफ उसने फ्रेंड्स को दे दिए और हाफ उसने फादर को दे दिए। तो इतना पार्ट तो उसने दे दिया, ठीक है, इतना पार्ट उसने दे दिया। अब ये इतना मान लिया कि टोटल क्या था, वन था, टोटल वन था। अगर हम टोटल वन मान लेते हैं, वन में से इसने इतना पार्ट दे दिया, तो वन में से हम इसको माइनस कर लेंगे, वन माइनस। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, फोर, टू टू ज़ा फोर, टू प्लस वन, यानी कि ये क्या हो गया, वन माइनस थ्री बाई फोर, वन बाई वन। अब इसमें से आप इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 4-3 इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 फ्रैक्शन हो गया जो उसके पास लेफ्ट बचा। ये हमने इक्वेशन जो बनाया वो जितना लेफ्ट बचा उसके पास उसके लिए बनाया था, क्योंकि टोटल जो थे वो हमने मान लिया कि 1 था, ठीक है, मान लिया कि जो टोटल है वो 1 है, और 1 में से हमने क्या किया यहाँ पे, हाफ कर दिया, हाफ दे दिया उसने फ्रेंड को, 1/4 दे दिया अपने फादर को। तो ये जो पार्ट था वो उसने दे दिया, उसके पास एक था, एक में से अगर हम इन दोनों को घटा लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा जो कि उसके पास लेफ्ट बचे, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट तरीका। अब लॉन्ग तरीके से हम क्या करेंगे, इसका 1/2 निकालेंगे, फिर इसी का हम फोर्थ निकालेंगे। तो इसके जो ये दोनों आएंगे 1/2, 1/4, उसको हम ऐड कर लेंगे,
फिर इसमें से उसे हम घटा लेंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा वो दैट अपॉन दिस, अब उसके बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये है लॉन्ग तरीका, लॉन्ग मेथड, जो कि आप एकेडमिक में उस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन ये है हमारा शॉर्ट मेथड, जो कि हमें कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में इस तरीके से बनाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 35 पैसे इन 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ में 35 पैसे का क्या फ्रैक्शन है ये हमें बताना है। तो 7 रुपीज़ यानी कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में अगर 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 700 पैसे होंगे। ओके, 7 रुपीज़ में 700 पैसे होंगे। तो 35 पैसे का फ्रैक्शन 700 में पूछ रहा है, तो 35 पैसे डिवाइडेड बाय 700 पैसे, इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 टू ज़ा 1 अपॉन 20 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी का भी फ्रैक्शन किसी से पूछे तो जो टोटल होगा, जो ज़्यादा होगा उसे हम नीचे लिख देंगे, और जिसका फ्रैक्शन निकालना हो वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो टोटल नीचे और जिसका फ्रैक्शन निकालना है वो ऊपर, तो हमारा फ्रैक्शन आ जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है। तो इसको पहचानने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेनोमिनेटर सेम है, देन डेनोमिनेटर अगर सेम है तो हम न्यूमरेटर को सिर्फ देख लेंगे कि जो बड़ा है वही बड़ा होगा, जो छोटा है वही छोटा होगा। इनकी नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अनुसार हम उसको देख लेंगे। नॉर्मल सीक्वेंस 1, 2, 3, 4 की जो सीरीज होती है उसमें जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है, एक्चुअल होता है। ठीक है, अगर डेनोमिनेटर सेम है तब, और अगर न्यूमरेटर सेम है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3/3 ये न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो नीचे वाले को हम देखेंगे कि नंबर जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे, जो छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे 8 और 9 है, तो 8 तो छोटा होता है और 9 बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 छोटा हो जाएगा और 8 बड़ा हो जाएगा। तो ये भी हमारा इक्वेशन सही है। फर्स्ट वाला देखते हैं, साथ में देखते चलते हैं हम 4/7 और 8/7। तो मैंने जो रूल बताया कि अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले में जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस वन, तो यहाँ 8 है, 8 बड़ा होगा 4 से, तो यस ये हमारा सही है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, इनकरेक्ट बताना है हमें। यहाँ पे देखिए कि न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 8 और 9 है, तो 9 बड़ा है लेकिन वो छोटा हो जाएगा, और 8 छोटा है लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला बड़ा है इससे, तो इट मीन्स ये भी सही है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर में देखेंगे जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। इस चीज़ को समझिएगा, जो न्यूमरेटर सेम है तो जो बड़ा है वो छोटा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर से सेम है तो न्यूमरेटर को देखेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। यानी कि 9 क्या है, बड़ा है, लेकिन ये छोटा होना चाहिए था। तो यहाँ पे साइन अपोजिट दिया हुआ है, इट मीन्स इसको बड़ा बता रहा है, इसको छोटा बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अब आगे भी देख लीजिए एक बार, 1/4 और 1/5 न्यूमरेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर में 5 बड़ा है 4 छोटा है, तो इसको बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा वही बताया जा रहा है यहाँ, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस। ओके, क्लियर, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर को देखेंगे, न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं कि आप इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करें। अगर डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है या न्यूमरेटर सेम दिख रहा है तो आप इस प्रोसेस को यूज़ कर लीजिएगा, आपका समय काफ़ी बचेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंकिता डिवाइडेड द पिज्ज़ा इंटू 16 इक्वल पीसेस, सी 8/7 आउट ऑफ देम, हर फादर 8/1/8 ऑफ टोटल पिज्ज़ा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्ज़ा लेफ्ट विथ अंकिता। अंकिता के पास एक पिज़्ज़ा था, उसने उसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, उसके बाद उसने क्या किया, 7 वो खुद ही खा गई उसमें से, और टोटल का 1/8 उसके पापा ने खाया। तो 7 तो वो खुद खा गई, 7 वो खुद ही खा गई थी, उसके बाद 16 का 1/8, 8 2 16 यानी कि 2, 2 उसके पापा ने खा लिए, तो टोटल कितने फिनिश हो गए, 9।
अब इतने तो खा लिए गए, अब उसके पास अंकिता के पास कितने बच गए, तो ये तो खा लिए गए, कितने बच गए उसके लिए 16 माइनस 9 कर देंगे तो ये कितना हो गया 7, ये क्या हो गया इसके पास बच गया। अब इस बचे हुए का हमें फ्रैक्शन बताना है, तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है और अपॉन टोटल जो है वो, यानी कि 9/16, ये टोटल फ्रैक्शन हो गया जो कि उसके पास बच गए थे, ये उसका फ्रैक्शन हो गया, ये 7/16। क्वेश्चन में था कि लेफ्ट जो पीस बचे उसका फ्रैक्शन निकालना था, अगर पूछा जाता कि उसने अंकिता ने कितने खा लिए उसका फ्रैक्शन बताओ, तो भी आप 7/16 कर दे क्योंकि 7 उसने खाया था। अगर पूछा जाता कि फादर ने कितने खाए उसका फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करते 2/16 करते। तो इस तरह से हम, और पूछा जाता कि कितने पार्ट खा लिए गए उन लोगों के द्वारा उसका फ्रैक्शन बताओ, तो आप 9/16 करते। तो ऐसे हर एक चीज़ का फ्रैक्शन निकालने के लिए, जिस भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है, जिस पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, उस पार्ट को हम ऊपर रखेंगे और टोटल चीज़ को, जो टोटल कंटेंट है जो भी है, उसे हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से हम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो और पेज को फॉलो कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ से बेनिफिट उठा सके, जो भी वंचित रह गए हैं वो इस चीज़ को देखे और फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।